बूंदी लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक बेसन। बेसन मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है। मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप के हिसाब से लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कटोरी या फिर चाय के कप से मेज़र कर सकते हैं। 2 कप बेसन लिया है तो इसी के हिसाब से मैंने 2 कप चीनी लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बूंदी लड्डू बनाने के लिए फूड कलर का यूज़ किया है, रेड, ग्रीन और येलो। यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप बूंदी लड्डू तैयार कर सकते हैं। कलर डालने से लड्डू जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में, तो बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। बेसन में हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ हमें पानी नहीं डालना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिलाते जाएंगे। इसमें एक भी लम्स ना हो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा लड्डू का जो बैटर है वो तैयार हो गया है। ना ये एकदम पतला होना चाहिए ना ही मोटा होना चाहिए। इस तरह से इसे हम बर्तन में एक बार टैप करेंगे। ये देखिए एकदम ये अच्छे से निकल रहा है, मतलब हमारा बैटर जो है तैयार हो गया है। अब हम बैटर को 3 भाग में बांट लेंगे। कलर वाला जो है उसे हमें थोड़ा सा बनाना है, तो एक बोल में हम ग्रीन और दूसरे में रेड कलर का डालेंगे और थोड़ा सा बैटर डाल के इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, और बाकी बचे हुए बैटर में हम येलो कलर डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। हमारा परफेक्ट बैटर तैयार हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम चाशनी तैयार करेंगे। पैन में मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप शुगर लिया था, तो उसी के हिसाब से ही हम 1.5 कप पानी इसमें डालकर इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और हाई हीट पर इसे हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जब चाशनी में उबाल आ जाए तो 1 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हम स्विच को ऑफ कर देंगे। चाशनी हमारा तैयार हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और अब हम बूंदी फ्राई करेंगे। बर्तन में हम वेजिटेबल ऑयल डालकर इसे हम मीडियम हीट पर गर्म करेंगे। तेल गर्म है कि नहीं एक बार हम चेक कर लेंगे। यहाँ मैंने वेजिटेबल ऑयल से बूंदी फ्राई किया है। अगर आप चाहे तो आप घी में भी बूंदी को फ्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने छलनी से बूंदी तैयार किया है। अगर आपके पास झारा है तो आप झारा से भी बूंदी तैयार कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए हम बूंदी बनाना शुरू करते हैं। हीट को हम मीडियम ही रखेंगे। छलनी के ऊपर हम बैटर को इस तरह से गिराते जाएंगे और इसे हम टैप भी करते जाएंगे। चारों तरफ से पैन में हम इसे घुमाते रहेंगे इस तरह से, और हम इसी तरह से बूंदी बनाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे हमें फ्राई नहीं करना है, इसे फ्राई होने में टाइम जो है बहुत कम लगता है। बूंदी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए बैटर से हम बूंदी तैयार करते जाएंगे। छलनी को हम अच्छे से धो के पोंछ लेंगे, उसके बाद हम फिर दूसरा बैच बनाना शुरू करेंगे। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर बूंदी जो है गोल नहीं बन रहा है, लंबा बन रहा है, तो इसका मतलब बैटर जो है हमारा थिक हो गया है। वैसा होने से आप 1 स्पून उसमें पानी डालकर थोड़ा सा फेंट लीजिए, उसके बाद बनाइए, तो हमारा जो बूंदी है वो गोल गोल ही बनेगा। हमारा बूंदी तैयार हो गया है। अब हम चाशनी को कढ़ाई में रखेंगे और हीट को मीडियम कर देंगे, और इसमें हम 3 कलर का बूंदी को डालेंगे। इसके साथ ही मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मगज ऐड किया है। अगर आपके पास मगज है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएँगे। हीट को हम मीडियम ही रखेंगे। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम हीट पर ही इसे हमें थोड़ी देर पकाना है, ताकि चाशनी जो है बूंदी के अंदर अच्छे से चला जाए। कढ़ाई का हम ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे।
इसे पकने में करीब 3 से 4 मिनट लग जाता है। अब हम हीट को ऑफ कर देंगे और इसे हम ढक करके 30 से 35 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी जो है बूंदी के अंदर अच्छे से चला गया है और बूंदी हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब यह लड्डू बनाने के लिए तैयार है। इसमें मैंने करीब 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाला है। अगर आपको एसेंस का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसमें बारीक पिसा हुआ इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब हम अपने पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा साइज़ का बूंदी का लड्डू बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, यह बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। आशा करते हैं कि आपको यह मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो नीचे दिए हुए बटन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।